अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मैं हूं अशफाक अहमद। अच्छा जी, हमेशा की तरह आज भी बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। एक मसला है जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, 4-5 केसेस जो है वो अब तक आ चुके हैं, तो इसके ऊपर जो है वो वीडियो डालना ज़रूरी था। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने जो है वो पाइट अप लगाई हुई है अपने पास, चाहे वो डायमंड पाइट हो, गोल्ड रेड पाइट हो, या सिल्वर पाइट और ब्लू पाइट वगैरह हो। अच्छा, डफ के अंदर एक बड़ा मसला आ रहा है कि इनकी आंखों में इन्फेक्शन आ रहा है। अब पहली चीज़ में मैं आपको बता दूं कि अक्सर अभी तक क्या होता था कि हमने जो देखा है कि डफ के अंदर आंखों में जाल आता है, जिस तरह ब्लबर्ट के अंदर जो है वो आंख में जाल आ जाता है वाइट कलर का, इसी तरह डफ में भी जो है वो इनकी आंखों में जाल आ जाता है। जाल का मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि देखें, जाल से रिकवरी जो है वो मुश्किल है। जाल असल में होता क्या है, ये दरअसल मोतिया होता है। जिस तरह इंसानों के अंदर आंखों में मोतिया होता रहता है, इसी तरह परिंदों के अंदर भी ये मोतिया आ जाता है, और उसके बाद उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब बर्ड ज़िंदा रहेगा, अगर वो खाता रहे तो वो ज़िंदा रहेगा, मगर वो देख नहीं सकता, पूरी तरीके से अंधा हो जाता है। ठीक, अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये तो हो गया जाल का केस कि जाल आता है तो आपने किस तरह उसका ट्रीटमेंट करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, जाल आता है तो आपने अगर इनिशिएट लेवल के ऊपर आपने देखी इनकी आंखों में हल्का सा शेड नज़र आता है जाल का, अगर इनिशिएट लेवल के ऊपर आपने उसको डायग्नोज कर लिया कि ये इस वक्त आपके बर्ड में जो है वो मोती आ रहा है, तो उस वक्त आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। थोड़े से चांसेस होते हैं कि आप उसे ट्रीट कर सकें, अदरवाइज जो उसके रिकवरी है वो नहीं है। एक दफ़ा आँख ख़राब हो गई तो आँख सही नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा आपने ट्रीटमेंट क्या करना है, आपने मेथाक्लोर, एक आई ड्रॉप आता है, मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ पिक्चर में, मेथाक्लोर जो है वो आपने यूज़ करना है उस कंडीशन में जब आपको डायग्नोस हो जाए कि इसके अंदर आँख में जाल हल्का हल्का सा आना शुरू हो गया है। अगर जाल पूरा आ गया है, मोतिया पूरा हो गया है, तो फिर मेथाक्लोर या कोई भी और दवा काम नहीं करेगी। अब आते हैं दूसरी तरफ, जो अभी जो कंडीशन आ रही है, एक नई कंडीशन है जिसके अंदर आँखों में जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि अक्सर बर्ड जो है वो छोटे केज में रखने की वजह से भी इनकी आँखों में पर लग जाते हैं, चाहे वो कोई से भी पर हो तो उस वक्त भी आँखें उनकी सूज जाती हैं। ऐसी कंडीशन में आप सिर्फ जो है वो उनको अरके गुलाब डाल सकते हैं, कुछ टाइम में ही वो रिकवरी कर जाएंगी। अच्छा, ये जो नई कंडीशन है इसमें क्या हो रहा है कि आँख जो है वो बंद हो जाती है, आँखों में जेली सी बन जाती है, जैसे चीपड़ बन जाता है ना, इस तरह आँखों में जो है वो जेली सी बन जाती है। बर्ड जो है वो आपको बाकायदा तकलीफ़ में नज़र आता है कि यार बर्ड जो है वो इस वक्त तकलीफ़ में है, और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसका ये इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता रहता है। ठीक, अच्छा, सिंपली हमने क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ठंडे पानी से, यानी कि बहुत ठंडा चिल पानी ना हो, मतलब नॉर्मल ठंडा हो, रूम टेम्परेचर से ठंडा पानी हो, उसके अंदर आपने कॉटन डिप करके कॉटन से इसको बहुत लाइट से जो है वो साफ़ करना है, बहुत हल्के हाथ से जो है वो आपने इसको इसकी आँख को साफ़ करना है। और उसके बाद बेटनोसोल जो है वो आपने इसके अंदर आई ड्रॉप आता है, वो भी मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ, वो आपने जो है वो एक ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप जो है वो इसकी आँख में डाल देना है। एक आँख से भी इसी तरह करना है, दूसरी आँख का भी इसी तरह करना है, अगर दोनों आँख में इन्फेक्शन है तो। एक और चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पाइट अप के अंदर एक आँख में तो इन्फेक्शन हो रहा है, आपको नज़र आ गया है, मगर दूसरी आँख में इन्फेक्शन नहीं है, ऐसी कंडीशन के अंदर आपने एक आँख को साफ़ करना है, दूसरी आँख को साफ़ नहीं करना है अगर आप समझते हैं कि ज़रूरत नहीं है, मगर आँख पूरी सही भी हो तब भी आपने आई ड्रॉप दूसरी आँख में भी डालना है, सिंगल ड्रॉप आपने डालना है। ये एक काम आपने करना है, अगर आपको लगता है कि पूरी तरीके से आपका बर्ड इफेक्टेड हो गया है तो फिर आपने सुबह 10 बजे तक जो है वो पहला सेशन करना है, पहली दफ़ा साफ़ करके उसके बाद साफ आई ड्रॉप डाल देना है, दूसरी दफ़ा शाम में जो है वो असर के बाद, मगरिब से पहले पहले, यानी कि जो रोशनी हो ऐसी टाइम के अंदर जो है वो आपने दोबारा से यही काम करना है, दोबारा से उसकी आँख को साफ़ करना है और उसके अंदर ड्रॉप डाल देना है। क्योंकि डब जो है वो काफ़ी लोगों के पास अभी रखी भी है, काफ़ी लोगों ने ब्रीड भी करा रहे हैं, बहुत से लोग लगा भी रहे हैं, तो ये अपनी बर्ड्स के अंदर आप देख लें, बहुत मुमकिन है कि ये बीमारी फैल भी सके। अभी तक ऐसी कंडीशन नहीं आई है, मगर फिर भी आप एहतियातन अपने बर्ड्स को चेक कर लें। होता क्या है कि क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हमारा ध्यान नहीं जाता उस तरफ और हम देख नहीं पाते,
तो एक चीज़ उभर के आ रही है तो लाजमी आप अपने एक तो बाहर से जो भी आप बर्ड ला रहे हैं पहले उसको अलग केज में रखिए। जैसा मैंने हर दफ़ा आपको बताया है, जब भी आप कोई बर्ड लाते हैं अपनी एवरी के अंदर तो डायरेक्ट उसे अपनी एवरी के अंदर मत लेके आइए। बहुत मुमकिन है कि अभी तो उसके अंदर कोई बीमारी आपको नज़र नहीं आ रही, मगर जो उसके साथ वाले थे उनको बीमारी कोई होगी जो उनके अंदर मुंतकिल हो गई, तो एक हफ्ते बाद डेढ़ हफ्ते बाद जो है वो नुमायदा हो जाती है, मतलब नुमाया हो जाती है, दिखना शुरू हो जाती है, वो बीमारी के सिम्टम्स आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं और फिर वो बीमारी आपके अपने बर्ड्स में जो आपके एवरी के अंदर जो आपके अपने पुराने बर्ड्स थे उनमें भी फैलना शुरू हो जाती है। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि जो भी आप बाहर से बर्ड्स आ रहे हैं पहले उसको एक अलग केज में रखिए, बाहर रखिए, एवरी से अलग रखिए, एक हफ्ते तक डेढ़ हफ्ते तक तकरीबन उस बर्ड्स को आप अलग रखिए। अगर उसके अंदर आपको लगता है कि नहीं आप इसके अंदर कोई सिम्टम ऐसे नज़र नहीं आ रहे तो फिर आप उसको अपनी एवरी के अंदर रख सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जितना हीट स्ट्रॉक चल रहा है अक्सर लोग कहते हैं कि पाई डॉग को जो है वो गर्मियों के अंदर ब्रीड करते हैं, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उसके लिए उतना ही बेहतर है, मगर जनाब जो ये हीट स्ट्रॉक चल रहा है ये इनके लिए नुकसानदेह है, आपने हीट स्ट्रॉक में भी इनका ख्याल रखना है। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप इनको सॉफ्ट फूड दे सकते हैं, सॉफ्ट फूड के अंदर आप इनको बॉइल्ड राइस दीजिए जब ज़बरदस्त हीट स्ट्रॉक चल रहा हो। इसके अलावा पानी के अंदर आप इनको इलेक्ट्रोलाइट लाजमी दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आप ORS और ग्लूकोज का मिक्सचर जो है वो इनको उसमें दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आप इनको सैलेड सलाद के पत्ते वगैरह जो है वो इस किस्म की भी चीज़ें दे सकते हैं। गर्म चीज़ें देने से गुरेज कीजिए, और अगर कोई बर्ड जो है वो आपने प्रोग्रेस अच्छी नहीं दे रहा, गर्मी के अंदर भी प्रोग्रेस अच्छी नहीं दे रहा कोई पेयर आपका पाई डब का, तो फिर आप उसको एक महीने के लिए डेढ़ महीने के लिए जो है वो फ्लाई में डाल दीजिए, उसको रेस्ट दीजिए और उसके अंदर मल्टीविटामिन चलाते रहिए, और दो महीने बाद तकरीबन डेढ़ दो महीने बाद आप उसको दोबारा से ब्रीड पर लगा दीजिए तो वो दोबारा से अच्छी प्रोग्रेस स्टार्ट कर देगा। अच्छा, पाई डब जो है वो अक्सर एक और बड़ा मसला आता है कि कान की तरफ से, यहाँ पर डब के जो है वो कान की तरफ से बाल थोड़े से झड़े पर नज़र आते हैं, कान वाजे नज़र आ रहा होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत से लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये इसको क्या बीमारी हो गई, क्या इसको ऐसी बीमारी है जो कि हमें पता नहीं लग रही, बज़ाहिर बर्ड सही है मगर यहाँ से जो है वो बाल गायब है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल है, आप इसमें परेशान ना हो इसी कंडीशन के अंदर। ये दरअसल बर्ड जो है वो जब पाई डब भी मोल्ड पर आती है, और जब ये मोल्ड पर आई हुई होती है तो इस किस्म के आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं कि यहाँ से जो है वो बाल कम नज़र आ रहे हैं या कान जो है वो वाजे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इसमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हमारे दूसरे बर्ड जो है वो मोल्ड पे आते हैं, इस तरह पाई डब मोल्ड पे नहीं आते, इनका सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये कुछ ही एरिया के जो है वो बाल झाड़ते हैं और उसके बाद रिकवर करते हैं। हाँ, अलबत्त जैसा मैंने अपनी वीडियो में पहले भी कहा है कि जब भी कोई बर्ड मोल्ड पे आया हुआ है, पर झाड़ रहा है अपने, तो उस वक्त उससे ब्रीडिंग ना कराई जाए। इसी तरह पाई डब में भी अगर वो मोल्ड पे आ रहे हैं तो उनसे इतनी ब्रीडिंग ना कराएं, आप उनको रेस्ट पे दे दें, उनको रेस्ट पे रखें, थोड़ा सा रेस्ट कराएं, कुछ टाइम बाद जो है वो एक महीने डेढ़ महीने दो महीने बाद उनको फ्लाई पे डाल दीजिए दो महीने के लिए, और दो महीने बाद उनको दोबारा से ब्रीड पे लगा सकते हैं आप। दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या हम पाई डब के अंदर जो है वो उनके परों को खुद से नोच दें? अगर हम परों को खुद से नोच देते हैं तो फिर ये जो है वो जल्दी वॉश हो जाते हैं, और इनकी ब्लड लाइन के ऊपर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अक्सर इस किस्म का भी सवाल बहुत से लोग करते हैं, तो पहले भी चीज़ मैं क्लियर कर चुका हूँ पहले भी, फिर भी अभी क्लियर कर देता हूँ कि देखें, बाल नोचने से, उसके पर निकालने से जो है वो जल्दी वॉश हो सकता है, क्योंकि वो दोबारा से पर जो है वो जल्दी लाए तो वॉशिंग वाले पर लाए, ऐसा मुमकिन है, मगर इससे ब्लड लाइन के अंदर किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो उसकी ब्लड लाइन होगी वही रहेगी, जितनी वॉश ब्लड लाइन वो होगी वही रहेगी। आप जो है वो तकलीफ दे रहे हैं अगर आप परों को खींच रहे हैं उसको जल्दी वॉश कराने के लिए, तो फिर इसका मतलब है कि आप बच को तकलीफ दे रहे हैं। बेहतर ये है कि जिस तरह वो खुद ही वॉश हो रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रीडिंग करते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मोल्ड करते करते वॉश होते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, इस वीडियो को शेयर आपने ज़रूर करना है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर।